गजाल अंसारी। केरल के एर्नाकुलम कन्वेंशन सेंटर में हुए सीरियल ब्लास्ट ने पूरे देश की यहूदी आबादी को चिंता में डाल दिया है। पहले से ही हाई अलर्ट जारी था, अंदेशा था कि यहूदियों के पवित्र स्थल पर आतंकी हमला हो सकता है। अब उस अलर्ट के बीच रविवार सुबह एर्नाकुलम कन्वेंशन सेंटर में सीरियल ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट में 2 की मौत हुई तो वहीं 40 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहाँ भी 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि इस समय इसराइल और हमास के बीच खतरनाक जंग जारी है। इस जंग में हजारों की तादाद में लोग मारे गए हैं। बता दें कि इसराइल में दुनिया के सबसे ज्यादा यहूदी रहते हैं, उन्हीं के खिलाफ हमास ने ये हमला बोल रखा है। पहले 7 अक्टूबर को कई की बेरहमी से हत्या कर दी। उसके बाद इसराइल की कार्रवाई ने स्थिति को और भी ज्यादा विस्फोटक बना दिया। अब इसराइल इस समय जो कार्रवाई कर रहा है उसकी वजह से हमास की नज़रों में यहूदी समाज उसे अखर रहा है। ऐसे में खबर है कि यहूदियों के पवित्र स्थल को निशाना बनाया जा सकता है। इसराइल के कट्टरपंथी संगठन हैं, वो कोई बड़ा हमला कर सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि यहूदी भारत में कब आए। भारत में यहूदी की आबादी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन माना जाता है कि 2000 साल पहले यहूदियों का भारत आने का सिलसिला शुरू हुआ था। दुनिया के कई देशों से यहूदी भारत आए थे। उन्हें बेहतर ज़िंदगी चाहिए थी, बेहतर सुविधाएं चाहिए थी, और उसी उम्मीद के साथ कई यहूदियों ने हिंदुस्तान का रुख किया। बताया तो ये भी जाता है कि समाज कई देशों में उत्पीड़न का शिकार हुआ था, उस वजह से भी सुरक्षा के लिए उसने भारत आना बेहतर समझा। मौजूदा वक्त की बात करें तो सबसे ज्यादा यहूदी भारत में मुंबई, गुजरात, कोलकाता में बसे हुए हैं। असल में देश में 3 तरह के यहूदी रह रहे हैं, बेन इसराइली यहूदी, दूसरा मालाबार और कोची यहूदी, तीसरा बगदादी यहूदी। अब भारत में सबसे ज़्यादा इसराइली यहूदी रहते हैं। मुंबई में अगर इनकी आबादी सबसे ज़्यादा है तो वहीं गुजरात और कोलकाता में भी अच्छी गिनती है। अब सवाल कि कहाँ सबसे ज़्यादा यहूदी बसे हुए हैं। दूसरे देशों में भारत आने वाले यहूदी देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर बस गए। इन यहूदियों के भारत आने की वजह से जहां ये पहले रह रहे थे वहां इनके साथ उत्पीड़न होता था। इन्होंने बेहतर अवसर की उम्मीद में भारत में कदम रखा। भारत में अलग अलग जगहों के यहूदी मुंबई, पुणे और कई बड़े शहरों में जाकर बस गए। कोलकाता में इस समय बगदादी यहूदी की आबादी ठीक ठाक है। इनकी आबादी तो अब वहाँ 10 से भी कम रह गई है, लेकिन एक ज़माने में उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। इसके अलावा मालाबार और कोची यहूदी वाले समाज के लोग फिलहाल आंध्र प्रदेश में रह रहे हैं। अब यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि केरल में जहाँ पर सीरियल ब्लास्ट हुआ है उधर जेहुआज विटनेस की आबादी ज़्यादा है। ये वो वर्ग है जो खुद को पूरी तरह से ईसाई धर्म से जोड़कर नहीं देखता है। उसके लिए सिर्फ यहोवा ही एक भगवान है। बाइबल में इस समाज की अटूट आस्था है और उन्हें विश्वास है कि एक बार फिर से भगवान का राज आएगा। अब ये ईश्वर पर अपना अपना विश्वास है। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।